नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गरियाबंद की, जहां पर छात्रा का कंकाल मिला है। जंगल में कंकाल की पहचान हुई है, 17 साल की 12वीं की छात्रा का कंकाल पाया गया है। घटकर्रा के जंगलों में छात्रा की लाश मिली, टुकड़ों में बिखरी मिली छात्रा की लाश। लाश के पास कपड़े, चप्पल, किताबें भी मिले हैं। 1 अक्टूबर को लापता हुई थी ये छात्रा, पांडुका थाना क्षेत्र के घटकर्रा का। ये पूरा मामला आपको बता रखे हैं, जहां पर कंकाल मिला है छात्रा का। ये 12वीं की छात्रा बताई जा रही है, जिसका कंकाल जो है मिला है। 17 साल की छात्रा थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, जिसके कंकाल पाए गए हैं। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो क्राइम सीन पर मौजूद हूं, जहां 17 साल की नाबालिग लड़की की कंकाल यहां पर मिला है। पहले ये जंगल आपको दिखा देता हूं। ये नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर दूर तुइया मुड़ा का जंगल है, और इसी जंगल में उस नाबालिग लड़की की कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, काफी घना जंगल है। और पहले जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये जो लड़की है स्कूल छात्रा है, और ये देखिए क्राइम सीन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पेन, रुमाल और कुछ पुस्तकें हैं, और कुछ दूर पर उसका जो अलग अलग हिस्सों में कंकाल मिला हुआ है, बाल मिला है। ये आप देखिए पढ़ने का जो पुस्तक यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। उसी तरह तमाम जगह को पुलिस जो है सुरक्षित करके लाल कपड़े में जहां जहां घेरा लगाया गया है। देखिए यहाँ यहाँ ये सब बाल यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसी तरह अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में ये कंकाल मिला है। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ जंगली जानवर जो है खा लिए हैं, और जो पहचान हुई है, शिनाख्त तो हो गई है नाबालिग होने की वजह से। हम नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन गरियाबंद जिले की ही युवती रहने वाली है। वो पढ़ाई करती थी और 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी, जो पिछले 1 हफ्ते से यानी 1 तारीख से वो लापता थी। पिता ने गुम इंसान का रिपोर्ट दर्ज कराया और लगातार तलाश कर ही रहे थे कि उन्हें सरपंच के माध्यम से सूचना मिलती है कि एक मानव कंकाल उन्हें एक जंगल में मिला है टुइया मुड़िया के। और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो अलग अलग हिस्सों में तमाम कंकाल देख सकते हैं। फोरेंसिक टीम यहां पर आएंगी और तमाम जांच पड़ताल किया जाएगा। आशंका व्यक्त किया जा रहा है हत्या का, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच में जुट गई है। और जो जंगल है ये काफी घना जंगल है, यहाँ तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर आना है और काफी घना जंगल है। और करीबन 0.5 किलोमीटर के दूरी पर ये जैसे घने जंगल झाड़ियां हैं, इसी झाड़िया में जैसे सीधा जाएंगे तो अलग अलग हिस्सों में युवती की जो कंकाल है वो पड़े हुए हैं। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। दंतेवाड़ा की अब बात करेंगे, जहां पर प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी है। 7-8 दिन पहले घर से ये दोनों निकले थे। जंगल में युवक युवती का शव पाया गया है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रखे हैं, जहां पर प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी है। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल कर रही है। दंतेवाड़ा का यह पूरा मामला है, जहां पर प्रेमी जोड़े की लाश पाई गई है। दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। 7-8 दिन पहले घर से ये दोनों निकले थे। जंगल में युवक युवती का शव पाया गया है। ये पूरा मामला जो है कुआकोंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रेमी जोड़े की लाश पाई गई है, दोनों ने फांसी लगाई है या हत्या है, सभी एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। कुछ दिन पहले ये घर से निकले थे और उसके बाद अब इनकी लाश मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। जंगल में दोनों का शव पाया गया है, दोनों की लाश जो है मिली है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी है। प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी है। अभी फिलहाल जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शव को कब्जे में ले लिया गया है, जांच पड़ताल हो रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवा दिए गए हैं। आगे पता चलेगा कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल हो रही है।
और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। एमपी को लेकर कांग्रेस की सीईसी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय में ये सीईसी की बैठक हो रही है। बैठक में दावेदारों के नाम पर मुहर लगेगी। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह और सदस्य अजय लल्लू शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, टीएस सिंहदेव, कमलेश्वर पटेल, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं सीईसी की बैठक में। तो आज जो है प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होगी, सहमति बनेगी, लिस्ट जो है वो फाइनल कर दी जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग ये हो रही है जिसमें सभी दिग्गज शामिल हैं। एमपी को लेकर सीईसी ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। सभी दिग्गज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये पूरी जो ये बैठक है ये कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है। की बैठक शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, प्रत्याशियों के नाम पर जो है मंथन लगातार कांग्रेस में हो रहा है और आज भी चर्चा जो है होगी कि आखिर किस किस को टिकट देना है। सभी पर जो है मंथन किया जाएगा, चर्चाएं होंगी। दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। जल्द नामों का ऐलान भी हो सकता है, पर उससे पहले जो है ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में जो है नाम तय किए जाएंगे, नामों पर मुहर लगेगी चर्चा के बाद, और कुछ समय का इंतजार करने के बाद ये लिस्ट सबके सामने होगी। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस बैठक में मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं और कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सीएससी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, लगभग कितनी देर ये बैठक चलने का अनुमान है और कितनी खास ये बैठक हो सकती है? रितु, देखिए ये कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ही विधानसभा चुनाव के जो दावेदार हैं उनके नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी, यानी कि वो चुनाव मैदान में कांग्रेस का चेहरा होंगे, उम्मीदवार तय किए जाएंगे। और ये इसी वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी बुनियाद जो है चुनाव की वो आज यहाँ रखी जाएगी। उस पर नामों पर कौन कौन से चुनाव मैदान में उतरेंगे वो मोहर लगाने का काम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होने जा रहा है। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि करीब 150 के आसपास सीटों पर आज चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि 150 सीटों पर आज केंद्रीय चुनाव समिति अपनी रजामंदी दे दे, हर नाम पर वो एक मोहर लगा दे, ये तय कर दे कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव मैदान में होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक का ये करीब 2 घंटे तक चलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी ये 4 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और 6-6:30 बजे तक उम्मीद है कि ये चलेगी, क्योंकि 150 सीटें हैं और सभी सीटों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है तो जैसा हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि करीब 150 सीटों पर उम्मीदवार जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय कर दिए जाएंगे। इस बैठक में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं, राज्य के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और जितने दूसरे बड़े नेता हैं और तमाम राज्य से जुड़े वो सब यहां बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। अब तक जो 3 केंद्र स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और उस बैठक में जो नाम तय किए गए उन नामों को यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह के सीईसी में रखेंगे और सीईसी फिर उन नामों पर अपना अंतिम फैसला लेगी। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो उम्मीदवार को नाम को लेकर हो, क्षेत्रीय बैलेंस करने की बात हो या जातीय समीकरण की बात हो, अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी तरह की, तो केंद्रीय चुनाव समिति जो स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से नाम भेजे गए हैं, प्रस्ताव भेजे गए हैं, उन पर अपनी मोहर लगा देगी। हाँ, अगर कहीं किसी एक सीट पर या ज्यादा सीटों पर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, क्योंकि खासकर जो दिक्कत आती है वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को होती है, अगर कहीं कुछ बिगड़ता हुआ नजर नहीं आता है या फिर जो दावेदार है
उसकी छवि को लेकर कहीं कुछ सवाल है। अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो जरूर सीईसी उन पर रोक लगाती है और फिर कहती है कि दोबारा पैनल बनाइए और भेजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी से छटकर सीईसी में रखे जाते हैं उन्हीं नामों को फाइनल कर दिया जाएगा और फिर उम्मीद की जाती है कि पितृपक्ष के बाद जो हमारे सूत्र दावा करते हैं कि कांग्रेस अपनी मध्य प्रदेश को लेकर पहली सूची जारी कर सकती है। ठीक ठीक ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदर्शन की, जो कि कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। जेसीसीजे का चित्रकूट विधानसभा में घेराव किया गया, मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और राशन की मांग इनके द्वारा की जा रही है। टोकापाल एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया है, कार्यकर्ताओं की बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश भी देखने को मिली। पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस दौरान झड़प भी हुई है। ये तस्वीरें जगदलपुर की आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। यहां पर प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया, साथ ही का साथ जो है पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए, पर ये बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे निकलते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई। छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है। प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले जुदेव राज परिवार के सदस्य दिलीप सिंह जुदेव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। देखिए, क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बीजेपी टिकट की टेंशन से जूझ रही है? क्या दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले टिकट पर तकरार शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व राज्यसभा सांसद और जशपुर राज परिवार के सदस्य रणविजय सिंह जुदेव ने पार्टी के सभी पदों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के दबंग नेता रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के भतीजे रणविजय सिंह ने न सिर्फ प्रदेश कार्य समिति और घोषणा समिति से इस्तीफे की पेशकश की है बल्कि बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं। बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूं, मैं और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे वो मैंने छोड़े थे, जो रिपीटेड और कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप थे। पार्टी की जो समितियां हैं उससे मैंने बहुत पहले, चूंकि मैं समय नहीं दे पा रहा था, रायपुर यहां से बहुत दूर भी हो जाता है, तो मैंने निवेदन किया था संगठन मंत्री जी से कि भाई मेरे जगह इस जो दायित्व है उससे मुझे मुक्त कर दें, तो क्या होता है कि निष्क्रियता का आरोप लगता है। बस एक छोटी सी बात थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से जशपुर राज परिवार का राजनीति में बोलबाला रहा है। जुदेव राज परिवार देश में अपनी कट्टर संघ विचारधारा के लिए जाना जाता है। 1952 में हुए पहले चुनाव में राम राज्य परिषद से विजय भूषण सिंह जुदेव सांसद बने। उनके बेटे दिलीप सिंह जुदेव घर वापसी अभियान की वजह से पूरे देश में चर्चित हुए। संघ ने उनके अभियान को अपना प्रकल्प बनाया और धर्म जागरण सभा की शुरुआत की। दिलीप सिंह जुदेव 2 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। अटल सरकार में उन्होंने केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री का जिम्मा भी संभाला। दिलीप सिंह जुदेव 2003 विधानसभा चुनाव में जोगी सरकार को उखाड़ने के लिए मूंछ को दांव में लगाकर चर्चा में आए थे। दिलीप सिंह के भतीजे रणविजय सिंह जुदेव को बीजेपी ने 2014 में राज्यसभा भेजा। राज परिवार से रणविजय सिंह के साथ दिलीप सिंह जुदेव की बड़ी बहू प्रियंवदा सिंह जुदेव, दूसरे बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव और सबसे छोटी बहू संयोगिता सिंह जुदेव भी राजनीति में सक्रिय हैं। रणविजय सिंह भले ही किसी तरह की नाराजगी से इनकार कर रहे हों, लेकिन हकीकत ये भी है कि वो रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने दावेदारी भी ठोकी है। हालांकि अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। मैंने अपनी बात रखी थी रायपुर पश्चिम की, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई लिखाई 12-13 साल की है, मेरा निवास भी वहाँ पर है और मैं अभी मानता हूँ सबसे उपयुक्त प्रत्याशी अगर कोई वहाँ पर है तो राजेश मूढ़त ही हैं जो सीट जीत सकते हैं। पर मैंने अपनी एक बात रखी थी वहाँ पर, वो पार्टी तय करेगी उसमें क्या करना है। अगर मुझे लगता है पार्टी को भी सरगुजा संभाग या रायगढ़ लोकसभा में मेरी ज़्यादा उपयोगिता है, यहाँ भी लगभग आपकी 20 सीटें हैं, अगर यहाँ मेरी ज़्यादा उपयोगिता है 20 सीटों में तो मैं यहाँ काम करूँगा। दरअसल राज परिवार के 2 सदस्य प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की कोटा सीट और संयोगिता सिंह जुदेव की चंद्रपुर विधानसभा सीट से दावेदारी के बाद रणविजय सिंह जुदेव की दावेदारी कमजोर हो गई। पार्टी राज परिवार के ही 3 लोगों को टिकट देने से बचना चाहती है।
देखिए, जब पहली सूची जारी किए थे उसके बाद ही बगावत के सोर्स सामने आ गए थे, दूसरी वायरल सूची आई तो स्थिति और ज्यादा घातक हो गई। जूतम पैजाद मचा हुआ है, नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कालिख पोती जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे कालिख पोती जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का पुतला जलाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है और किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के उनकी राय से टिकट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, उनकी राय नहीं ली गई और उसी का परिणाम है कि आज कार्यकर्ता विरोध में उतरे हुए हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है, शैलजा जी ने कहा दो चार दिन में आ जाएगी, बैज जी कह रहे, पिछले ये 20 दिनों की बात कर रहा हूँ, हमारी सूची आए तो लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीने हो गए और इन्होंने 1.5 महीने से लगातार कहना शुरू किया 4 दिन में आएगी, 5 दिन में आएगी, पर जैसे ही एक सूची फाइनल करते हैं तो पता चलता है राजीव भवन में लोग कुर्सी लेकर फोड़ने और तोड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेसी कार्यकर्ता इससे भयभीत है और भयभीत होने के कारण ये 70-72 के विधायकों के साथ भी अपनी नई सूची घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। रणविजय सिंह जूदेव के इस्तीफे की वजह कुछ भी हो, लेकिन एकाएक उनके बड़े ऐलान ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी भले ही बचाव मोड में आकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस वक्त का सच यही है कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले रणविजय सिंह के कदम ने बीजेपी को कटघरे में ला खड़ा किया है, जहां सवालों की बौछार ज्यादा है और जवाब में फिलहाल पार्टी के पास कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।